दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़पेपर के ऊपर अक्सर ये चार कलर के डॉट्स तो देखे ही होंगे। ये जो डॉट्स हैं, ये अलग अलग कलर में न्यूज़पेपर के एकदम बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये डॉट्स का यूज़ क्या होता है? न्यूज़पेपर के बॉटम के एकदम एंड में ये डॉट्स को बनाने का रीज़न क्या है? क्यों बनाया जाता है इसको? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, जो न्यूज़पेपर होता है उसके ऊपर बहुत सारे फोटोग्राफ्स और बहुत सारे पिक्चर्स लगे होते हैं। ये डॉट्स का केवल एक ही काम रहता है कि ये डॉट्स जो है ना, वो पिक्चर की क्लैरिटी बताते हैं। अगर ये डॉट्स प्रॉपर ऑर्डर में और प्रॉपर मतलब कि पैटर्न में लगे होते हैं, कुछ डेफिनेट डिस्टेंस होता है इन डॉट्स के बीच में, अगर वो डिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो ये न्यूज़पेपर है उसके ऊपर जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो ब्लर हैं या फिर क्लियर नहीं है। तो बस ये जो डॉट्स है उनका यही काम है कि जो न्यूज़पेपर के ऊपर जितने भी पिक्चर्स या फिर फोटोग्राफ्स हैं उनकी क्लियरिटी को बताता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि न्यूज़पेपर वाले लोग ये डॉट को क्यों बनाते हैं? वो लोग ऐसे भी तो चेक कर सकते डायरेक्टली, तो इतना डॉट्स बनाने का क्यों झंझट करना? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, जितनी भी न्यूज़पेपर की कंपनियाँ होती हैं उनके पास 10, 15 या फिर 20 न्यूज़पेपर नहीं आते जो कि वो मैनुअली चेक कर लेंगे। उनके पास हज़ारों लाखों न्यूज़पेपर आते हैं एक दिन में, जिसको मैनुअली चेक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये डॉट्स की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग इजीली फटाफट न्यूज़पेपर की पिक्चर की क्लैरिटी को पता कर सकते हैं और इजीली हम लोगों को न्यूज़पेपर टाइम पे डिलीवरी हो सकती है। तो बस ये डॉट्स का यही काम रहता है कि ये बस पिक्चर की क्लैरिटी को पहचानने में मदद करते हैं। अगर आपको ये फैक्ट पहले से पता था तो ठीक है, अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए।